राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बुधवार को बिहार व देश भर में मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराया। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने मॉब लिंचिंग के संदर्भ में कहा कि बिहार व देश भर में मॉब लिंचिंग के पीछे आरएसएस व बजरंग दल है। राष्ट्रीय जनता दल व दूसरे विपक्षी दलों ने राज्य विधानसभा के जारी सत्र में फिर से इस मुद्दे को उठाया है। बीते एक हफ्ते में राज्य भर से आधे दर्जन से अधिक लिंचिंग के मामले सामने आए हैं। बता दें कि हाल ही में देश में धार्मिक पहचान के कारण घृणा अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए प्रबुद्ध नागरिकों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुले पत्र में कहा था कि जय श्री राम का उद्घोष भड़काऊ नारा बनता जा रहा है और इसके नाम पर पीट पीट कर हत्या के कई मामले हो चुके हैं। फिल्मकार अडूर गोपाल कृष्णन और अपर्णा सेन, गायिका शुभा मुद्गल और इतिहासकार रामचंद्र गुहा, समाजशास्त्री आशीष नंदी सहित 49 नामी शख्सियतों ने 30 जुलाई को ये पत्र लिखा था। इसमें कहा गया है कि असहमति के बिना लोकतंत्र नहीं होता है।